इन्होंने 2 साल की सजा की है। तो उस समय मेरे ऊपर पॉलिटिकली कई इस तरह के मुकदमे लिखे गए थे, उसी क्रम में ये भी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि 12 साल पुराने एक मामले में आगरा की एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहरा दिया है, जिसके बाद से रामशंकर कठेरिया के सांसद सदस्यता पर खतरे के बादल छा गए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा के साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप है। ये घटना 16 नवंबर 2011 की है। बताया जा रहा है बिजली चोरी से संबंधित मामले को लेकर सांसद और उनके समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर थाना हरी पर्वत पुलिस ने केस दर्ज किया था और रामशंकर कठेरिया के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने साथ ही सांसद रामशंकर कठेरिया पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि घटना के समय रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद थे। फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आए रामशंकर कठेरिया ने कहा, उस समय बसपा की सरकार थी, राजनीतिक एजेंडे के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। आपको बता दें कि रामशंकर कठेरिया केंद्रीय राजमंत्री भी रह चुके हैं। और आज माननीय कोर्ट आगरा ने जो 323 की सजा 1 साल की होती है वो और 147 की सजा होती है 2 साल की, ऐसा उन्होंने 2 साल की सजा का प्रावधान किया है और उसमें 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। कोर्ट का जो डिसीजन है उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं, और जो मुझे राइट है अपील का वो अपील करूंगा। लेकिन अब कोर्ट की इस सजा के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता जा सकती है, लेकिन रामशंकर कठेरिया ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कही है। अब देखना होगा मामले में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।